बेटा आज का जो टॉपिक है ये थोड़े से एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के होंगे। तो हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि सही में हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर है भी या नहीं। बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा और आपने करेक्ट ऑर्डर उसमें से ढूंढना है, करोगे? चलो वेरी गुड। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन। पहला है बेटा, मैं चार ज्यादा नहीं, चार ही एलिमेंट ले रहा हूं, बेरिलियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। बेरिलियम सबसे कम, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, या बेरिलियम या कार्बन या नाइट्रोजन या बोरॉन, कुछ भी हो सकता ना। अब नाइट्रोजन बोरॉन को पकड़ लो बेटा, ये नाइट्रोजन ये बोरॉन, इन दोनों के बीच में बचे कौन से अपने, बेरिलियम और कार्बन, वो डाल दो भाई, ये बेरिलियम और ये कार्बन। अब और एक अरेंजमेंट बना के देख लो बेटा, ढूंढो बेटा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। सुनो बेटा, आंसर सेकंड ऑप्शन सही है, कैसे वो भी जानो। आप जानते हो एटॉमिक नंबर पहले ऐसे होते हैं, ये बेरिलियम आएगा, ये बोरॉन आएगा, ये कार्बन आएगा, ये नाइट्रोजन आएगा। सर एफिनिटी में आपने बोला था जो स्टेबल है उसको हटा लो, ये 2p3 स्टेबल बाहर, ये आपका 2s2 ये भी स्टेबल बाहर, ऐसी था ना बेटा, राइट। अगर इन दोनों में आप देखना चाहो तो पहले नियॉन आता था, याद आ रहा बेटा, पहले नियॉन आता था, फिर बेरिलियम पड़ता था, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि नियॉन ज्यादा स्टेबल था, फिर बेरिलियम स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, तो पहले नियॉन आएगा फिर बेरिलियम आएगा फिर नाइट्रोजन, तो बेरिलियम सबसे कम, नाइट्रोजन उससे ज्यादा, तो ऑप्शन ये आ गया। और इन दोनों के बाद, इन दोनों में देखो बेटा इसकी एफिनिटी ज्यादा है किससे, बोरॉन से, तो ये आपका आंसर पड़ गया सेकंड ऑप्शन, है ना बेटा, इजी कंसेप्ट, बहुत इजी है, आई नो अबाउट इट। चलो मैं आपको और एक कंसेप्ट, आपका एफिनिटी और आयनेशन पोटेंशियल का कंसेप्ट देना चाहूंगा। आप जानते हो ना बेटा, आयनेशन पोटेंशियल आपकी एंडोथर्मिक की प्रोसेस थी, लेकिन एफिनिटी आपकी एक्सोथर्मिक की प्रोसेस हो गई थी, कैसे, देखो बेटा, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, अब आप बच्चों को मालूम नहीं क्लोराइड आयन क्या है, तो मैं बता दूं, Cl माइनस क्लोराइड होता है। एक्चुअली कैसे बनता है भाई, देखिए क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालो, सर पे क्लोराइड आयन बन के लेके, मतलब सर पे नेगेटिव चार्ज लेके बैठ गया तो क्लोराइड आयन हो गया। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस न्यूट्रल क्लोरीन एटम, यही है ना बेटा, वेरी गुड, फ्रॉम An isolated gaseous neutral chlorine atom, ये तो दे दिया ना रिएक्शन मैंने, 3.8 eV energy is released, वो भी दे रहा वैल्यू, इतनी एनर्जी उड़ गई, इज रिलीज्ड बाहर निकल गई, मतलब इस क्लोरीन जो आपका आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम था, आपने इलेक्ट्रॉन डाला, क्लोराइड आयन बन गया, इतनी एनर्जी रिलीज कर गए, 3.8 ईवी की एनर्जी रिलीज कर गए, विच वुड बी इक्वल टू, विच वुड बी इक्वल टू, बेटा ये किससे इक्वल होगा, थोड़ा सोचो, मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, पहला वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सीएल माइनस, क्या बेटा वो सीएल माइनस के एफिनिटी से इक्वल होगा। सेकंड वाला आयनेशन पोटेंशियल ऑफ सीएल एटम। फिर थर्ड वन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ सीएल एटम, ये कंसेप्ट तो किए नहीं है,
मैं आपको बाद में बताऊंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वाला है, और बाद में बोला आयनेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सीएल माइनस आयन। तो बोला इसमें से आंसर क्या होगा, देख लो, ये आपका न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम था, आपने इलेक्ट्रॉन डाला, डाले तो आपको सीएल माइनस आ गया, सही है ना बेटा। फिर वापस ऐसे चले तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल था, आगे चले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। बेटा इलेक्ट्रॉन ये जो वैल्यू रिलीज कर गई ना, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और एफिनिटी किससे इक्वल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा ये एफिनिटी आप किसकी देखते हो, एफिनिटी आप सीएल एटम की देखते हो, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी देखते हो, सीएल माइनस की देखते हो। तो क्या बोलना भाई इस केस में, एफिनिटी ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सीएल माइनस एटम, कहीं है भाई आंसर 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जम गया ये वाला, मैंने लिखा के दिया आपको नोट्स में, देख लीजिए। जब आप रिएक्शन को आगे ले जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन एटम की है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डाले तो एनर्जी रिलीज करेगी, वो एफिनिटी है भाई। और इस आयन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, निकाल दिए ना, तो इसका ये बन गया, तो जो एनर्जी लग रही निकालने की वो आयनेशन पोटेंशियल इसकी होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू आयनेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका, इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे नीट लेवल में भी आते हैं, मेंस लेवल में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बस जरूरत है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट तो एक ही रखना है, जो आपके पास नोट्स मैंने दिए हैं वो एक कंसेप्ट ही काफी है बेटा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब एक ऑक्सीजन का एटम था, 2 इलेक्ट्रॉन डाल के ऑक्साइड आयन बना लिए, अब ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल के इसकी ऑक्साइड आयन बना लिए O2-, और आप जानते हो एनर्जी रिलीज होगी, उसको एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हो, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी दी है 603 यूनिट्स दी थी बेटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ केजे पर मोल में। अब बोल रहा कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी इज ड्यू टू, ये जो वैल्यू है ना ऑफ डेल्टा ईजी सर, इट इज ड्यू टू किसके कारण, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ढूंढो बेटा। पहला वाला बेटा ये तो जान गए ना, इलेक्ट्रॉन डालो तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी इज रिलीज टू एड बेटा ये जो एनर्जी रिलीज हुई टू ऐड ऑन 1 इलेक्ट्रॉन टू ओ माइनस आयन, बेटा एक ओ माइनस था उसमें इलेक्ट्रॉन डाले तो ये एनर्जी निकली है, क्या ये सही है। दूसरा बेटा, एनर्जी इज रिलीज टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू ओ माइनस आयन, अब देखो बेटा एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड भाई, ये दोनों में फर्क है, रिलीज मतलब एक्सो, रिक्वायर्ड मतलब एंडो, इट इज रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन ऑन ओ माइनस दैट इज ऑक्साइड एंड इन द गैस स्टेट। बेटा एनर्जी इज नीडेड टू ऐड, अब देखो और एक स्टेटमेंट बना दिया उसने सर, एनर्जी इज
एनर्जी इज नीडेड टू एड वन इलेक्ट्रॉन ओ एटम। देखो बेटा ये आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम है, ये ऑक्साइड आयन है, मतलब ओ यूनि यूनि नेगेटिव आयन है, ओ यूनि नेगेटिव गैसेस आयन है। अरे तीनों भी समझ में। और अब बोल रहा है ऑप्शन नंबर फोर, नन ऑफ द अबो इज करेक्ट। तो आपके हिसाब से स्टेटमेंट कौन सा सही रहेगा देख लो बेटा एक बार। हाँ यस, क्यों मालूम? क्योंकि आप मानते हो ये वैल्यू जो डेल्टा एच की दिख रही है प्लस है कि माइनस है? प्लस है बेटा, ये प्लस है मतलब ऑब्वियसली प्रोसेस आपकी क्या होगी, एंडो। मैंने लिखा नहीं पर ये समझ में आ रहा आपको मेरे को, एंडोथर्मिक। बेटा एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज करेगी कि एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब। तो भाई एब्जॉर्ब मतलब रिक्वायर्ड ही तो होता है। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं बोलता हूँ ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करोगे ना मजा आ जाएगा, और ये ऐसे ही करने से आता है। बस क्लास सुनो, मेरे कॉन्सेप्ट सुनो, मेरे नोट्स रखो और एग्जांपल सॉल्व करो, अपने आप आते जाएंगे। और एक बेटा हैलोजन जलते हो ना सेवंथ ग्रुप वाले, चलो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज फॉर द सेवंथ ग्रुप एलिमेंट, आप हैलोजन लिख लो, ऑफ हैलोजन्स इट शोज द फॉलोइंग ट्रेंड। वैसे भी मैंने लिखा के दे दिया है, आपको ऑप्शन नहीं भी दिया तो बच्चा आंसर लिख लेगा, है ना? शोज द फॉलोइंग ट्रेंड्स। अब मैं ट्रेंड लिख रहा हूं, देखिए बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिख रहा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ना, ये भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। आपको एफिनिटी की ट्रेंड देना है भाई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब फ्लोरीन क्लोरीन ऐसा करा देंगे, सब अपने आप में अलग है, ढूंढो बेटा कौन सा आंसर सही है। आप जानते हो सारे हैलोजन्स में एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी, क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये नहीं ये नहीं, और क्लोरीन की तो फ्लोरीन से भी ज्यादा है, क्लोरीन की तो ब्रोमीन से भी ज्यादा है, तो आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। कोई डाउट भाई? The process require, अब मैं आपको एक प्रोसेस दूंगा आपको बताना है, द प्रोसेस रिक्वायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, द प्रोसेस रिक्वायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, ऐसा कौन सा प्रोसेस है बेटा विच विल रिक्वायर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं आप ढूंढो बेटा, एफ से एफ माइनस बन सकता है, सीएल से सीएल माइनस बेटा, ओ से ओ टू माइनस, फ्लोराइड क्लोराइड ऑक्साइड और एक हाइड्राइड एच से एच माइनस। बेटा कहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रही है, आप देखो प्रोसेस इनमें से कहां पर आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आ रही है। आप जानते हो बेटा एफ का एफ माइनस बनाए तो इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, एनर्जी रिलीज करी होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट स्टेप इज है एक्सो, फर्स्ट स्टेप इज है एक्सो बेटा, फर्स्ट स्टेप इज है एक्सो, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, पहला तो एक्सो होगा, सेकंड वाले सारे सेकंड थर्ड सबके सब एंडो हो गए, एंड हेंस हियर इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। बेटा समझ में आ रहा है ना सबको? वेरी गुड, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।
बना लिए। चलो अच्छी बात है बेटा। अभी नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है ना बड़ा? अब होगा नया वाला, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस हो गया, इनिशियल पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अब जो टॉपिक है ये वाला और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आएगा कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंपल मतलब मैं बताऊं, सिंपल मतलब बेटा ये एक कहाँ गया, ये एक पेन है और ये दूसरा पेन है, इसकी पावर अट्रैक्ट करने की ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट करता है, ये इसकी पावर अट्रैक्ट करने की ज्यादा है तो ये इसको अट्रैक्ट कर दिया, रखा नहीं अट्रैक्ट कर, जैसे अट्रैक्ट किया बस चल गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं बेटा, इसकी पावर अट्रैक्ट करने की ज्यादा है, अट्रैक्ट तो किया और पकड़ के भी रख लिया, उसके पास जगह थी तो पकड़ के रख लिया। तो डेफिनेशन कैसे बोलोगे बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, सिर्फ अट्रैक्ट करना है, अगर कोई करीब आ गया तो रखेगा नहीं, दूर हो जाएगा, अट्रैक्ट किया है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, जिसकी टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ज्यादा, और रखने वखने का काम नहीं करता। एफिनिटी ऐसा नहीं है, एफिनिटी अट्रैक्ट भी करेगा, पास में आएगा तो भाई आके बैठ जा मेरे पास जगह है, बिठा देगा, वो एफिनिटी है। तो आपको बताया था ना मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन की होना चाहिए। बट अब फ्लोरीन अट्रैक्ट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन करीब आता है फ्लोरीन बोलता है भाई मेरे पास पहले से इतने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, आपके लिए जगह है नहीं, आप आ गए अच्छी बात है, नमस्ते हाय हेलो चले जाओ। क्लोरीन ऐसा नहीं है, क्लोरीन अट्रैक्ट भी करता है, बोलता भाई मेरे पास बहुत जगह, आगे बैठ जा, बिठा भी देता है। जब इलेक्ट्रॉन बैठेगा एनर्जी रिलीज करेगी, और जो एनर्जी रिलीज करी उसको एफिनिटी बोला गया है। मतलब फ्लोरीन भी रिलीज करता है क्योंकि जगह तो नहीं है, उसके पास आने से थोड़ी एनर्जी रिलीज कर देगा, बट ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन करता है, सीएल करता है। इसलिए अभी के एग्जांपल में दिखाया था ना मैं, क्लोरीन की एफिनिटी एफ से भी ज्यादा है, ये रीजन है। तो डेफिनेशन जानोगे नेगेटिविटी का मतलब क्या है बेटा? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर और शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब वो वाले इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो लिख दो बेटा टेंडेंसी ऑफ ए कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। मतलब देखिए आप इसको ऐसे समझो, ये एच है, सुनो सुनो सुनो, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये एफ है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम ई एन से डिनोट करते हैं। बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब देखिए, आप ये बॉन्ड को क्या बोलोगे? सर ये तो अपना कोवालेंट बॉन्ड है। क्या है बेटा? ये कोवालेंट बॉन्ड है, मतलब कोवालेंट बॉन्ड मतलब द बॉन्ड विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय शेयरिंग। तो बेटा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब आप इसका और एक नाम दे सकते हो क्या, दिस इज ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और ये डॉट वाला एफ का है, अच्छी बात है। अब क्या हो गया, आप बोल रहे कि फ्लोरीन की टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एच तो ऐसी है, एफ ऐसी है, अब बीच में आने के बजाय वो कुछ यहाँ पे आ गए। बेटा इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही रखा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, करने से इसके सर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके सर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो आपके शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे, देखो ये शेड पेयर वो फ्लोरीन की तरफ चले गए,
इसीलिए इसकी डेफिनेशन कैसे कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे आप, टेंडेंसी ऑफ ए एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसा लिखो बेटा, टेंडेंसी ऑफ ए, ये बॉन्ड कोवेलेंट है ना, टेंडेंसी ऑफ ए कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम और टेंडेंसी ऑफ एन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, मतलब आपका एटम कैसा है बेटा, ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो ना, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ ए कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself is called electronegativity। तो आप बताइए बेटा electronegativity का सिंपल मतलब तो समझ में आ गया कि किसी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट करने की ज्यादा हो मतलब उसकी electronegativity ज्यादा है। तो ये electronegativity एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा, आप किसी के कंपेयर में बता सकते हो, अकेले को नहीं बता सकते हो। Getting me? मतलब it is a property which can discuss, ये वाली property आप तभी बोल सकते हो कि इसके oppose में कोई खड़ा हो। अगर ज़्यादा electronegativity वाला है तो इसकी less electronegativity, कम है तो more electronegativity। इसीलिए ये क्या हो गया बेटा, ये comparable property में आ जाती है, और जब comparable property में आ जाती है ना, ऐसे ऐसी property को कोई units भी नहीं होती है, right बेटा? It does not have any units and all। आपको ये चीज छोटी समझ में आ गई तो लिख लो बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा ए पोलार कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड इट मे बी ब्रोकन एज, और ये बनते भी है टूटते भी है, वो डिपेंड करेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सुनो। अभी ये डेफिनेशन हो गया, अब यहां तक लिख लो बेटा, मैं आपको और दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स। आई गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस टॉपिक। बेटा इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा, कंपेरेबल प्रॉपर्टी है, इसलिए आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट हैव एनी यूनिट्स, इसको कोई यूनिट्स नहीं है क्योंकि कंपेरेबल प्रॉपर्टी है। अकेले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बता सकते, अगर एक एटम रख के दूसरे को रख के कंपेयर करो तो बता सकते हैं, राइट? तो ये कंपेरेबल प्रॉपर्टी होने के कारण इट डज नॉट हैव एनी यूनिट्स। एग्जांपल बेटा, अब मेरे पास एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड है, अगर मैं उसको तोड़ूंगा तो कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बनेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसा ए पोलर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, पोलर मतलब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी हो, अभी भी देखे ना हमने H और F में नेगेटिव H में पॉजिटिव, कोवेलेंट बॉन्ड तो था लेकिन दो पोलैरिटी भी थी। पोलर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड ऑफ ए बी मे बी ब्रोकन एज, कैसे, सुनो,
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से, तो बेटा ए और बी में ए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, बी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और खींचने से ए के सर पे नेगेटिव और बी के सर पे पॉजिटिव। क्यों मालूम? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना बेटा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब अपना तो रखा और दूसरे का भी खींच लिया। बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आने से इसमें नेगेटिव, इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से इसमें पॉजिटिव। तो ये कैटायन और ये एनायन, जानते हो ना इसको क्या कहते हैं बेटा? कैटायन। इसको क्या कहते हैं? एनायन। एटम के सर पे नेगेटिव चार्ज एनायन, एटम के सर पे पॉजिटिव चार्ज कैटायन। दूसरा बेटा, अगर सर ऐसा हो जाए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम हो जाए तो, बी से कम हो जाए तो बी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, ए का खींचेगा, और खींच के ए के सर पे पॉजिटिव, बी के सर पे नेगेटिव। नेगेटिव आना मतलब एनायन बना लिया और इसने कैटायन बना लिया। मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है? टेंडेंसी है ना, डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज। राइट बेटा, लिख लो यहां तक, प्लीज नोट डाउन। मतलब आप लिख सकते हो बेटा, हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज एन रिलेटिव प्रॉपर्टी। बेटा रिलेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसके ऊपर में कोई यूनिट ही नहीं होगी ना। अकेले देखो, एफिनिटी आइसोलेटेड प्रॉपर्टी थी है ना, तो उसको यूनिट्स थी। आयनेशन पोटेंशियल आइसोलेटेड सिंगल है तो उसको अपनी यूनिट्स होती है, पर रिलेटिव के कंपेयर में कंपेरेबल प्रॉपर्टी, रिलेटिव प्रॉपर्टी को कोई यूनिट्स नहीं होती। ये एग्जांपल्स थे उसके। अब बेटा ये जो नेगेटिविटी जो हमने लिखा है, ये इसके कुछ पॉइंट्स ये भी होते हैं कि सर हमारे बुक में दिया गया है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर सुधीर सर तभी से आपको यही बता रहे हैं, जो किसी को अट्रैक्ट करेगा रख लेगा एफिनिटी, जो सिर्फ अट्रैक्ट करके भाग जाएगा नेगेटिविटी। हाँ ना बेटा, देखो डिफरेंसेस में लिखा के दे रहा हूँ नेगेटिविटी की और आपको हम बोलेंगे एफिनिटी के, दोनों डिफरेंसेस लिखा के दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। बड़ा बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अगर मेरे पास एफिनिटी और नेगेटिविटी की डिफरेंसेस पूछे तो मैं क्या लिखूंगा? पहला बेटा इसके लिए क्या करना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, टेंडेंसी टू सिर्फ अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। बेटा ये अट्रैक्ट ही कर सकता है, ये अट्रैक्ट करा के एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करना मतलब रखना है, एक्सेप्ट करना मतलब रखना है। इज इट क्लियर? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, लेकिन नेगेटिविटी कैसी है बेटा? हाँ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। एफिनिटी सिंगल एटम है ना, सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन डालो, सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालो, निकाले कि आयनेशन डाले तो एफिनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, सर इट इज एन प्रॉपर्टी और इट इज एन रिलेटिव प्रॉपर्टी। बेटा ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है करके लिए नो यूनिट्स, और ये आइसोलेटेड प्रॉपर्टी है तो यूनिट्स है। क्या बेटा? ईवी पर एटम, केजे पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, मर्जी आपकी, जो जो लिखने यूनिट्स लिख सकते हो। राइट कोई डाउट है बेटा? मतलब सिंपल वे में बता दिया नेगेटिविटी और एफिनिटी का डिफरेंस क्या है। एक ही टेंडेंसी अट्रैक्ट करके रख लेगा एफिनिटी, सिर्फ अट्रैक्ट करेगा नेगेटिविटी, बस इतना ही लेके चलना है। चलो आगे बढ़ो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। हाँ आपको मैं आज एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यूज याद कराऊंगा।
बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, क्योंकि जो बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज आते हैं ना वो बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कराते हो ना, तो डिपेंड करता है कि कौन से एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और कौन से एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। और जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद होना, ऐसे जरूरी नहीं है, बट आपको सुधीर सर है ना एक ट्रिक सिखा देंगे और वो ट्रिक से सबको याद भी हो जाएगा। देखिए क्या बेटा, ये हाइड्रोजन है, फिर ये लिथियम है, फिर ये सोडियम है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। वेरी गुड सर, फ्लोरीन के नीचे आ रहा क्लोरीन, फिर आ रहा ब्रोमीन, फिर आ रहा आयोडीन, सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन, लिथियम बेरिलियम है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम बोरॉन अल्यूमिनियम आ रहे बेटा है, ये सारे अपने बना लिए, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन। आपको एक बात बता दूं मैं, अपना हाइड्रोजन जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 करके आपने याद रखना है, ये याद रखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अपने पॉलिंग अंकल ने इसकी वैल्यू कंसिडर की थी, अब क्यों की कैसे करी बाद में देखेंगे, अभी तो याद कर लो। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है बेटा, 2.1 है। अब एक काम करो, यहां से लिथियम की वैल्यू 1 पकड़ो, अगर आप 1 पकड़ते हो जस्ट 0.5 ऐड करो, 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 0.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 0.5 ऐड करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 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 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो सर, फ्लोरीन इज द एलिमेंट विच इज हैविंग ए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और आपको ये भी मालूम है क्लोरीन इज द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट एफिनिटी, याद रखो हाईएस्ट एफिनिटी, कोई डाउट? अब देखो लिथियम से नीचे आ जाओ भाई, ये 1 था तो ये 0.9 पे आ जाओ, 9 0.3 1.2 0.3 0.3 9 10 11 12 नहीं 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 0.4 करना है, ये कितना चला बेटा 0.4 पे, अब 0.4 हुआ 1.3 पे आ गए, 9 10 11 12 जहां तक मुझे याद है 1.2 बेटा, फिर 0.3 1.5 0.3 याद करना है, फिर 5 और 3 8 फिर 0.3 1.8 कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूं काम आएगा, 0.3 2.1 देखो 0.3 बढ़ाते जा रहे हो। अब यहां से थोड़ा सा गड़बड़, यहां 0.4 तो 2.5 देखो इसकी सेम है, मैं बताऊंगा किस किस की सेम है, और फिर इसके बाद थोड़ा ब्रोमीन नीचे लिख देंगे भाई, आयोडीन को और नीचे लिख देंगे, फिर यहां से यहां तक 0.5 कर दो तो वैल्यू 3 आ गई। मतलब देखो अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पीरियड की निकालना तो बड़ी आसान है, 1 0.5 1.5 और 0.5 ऐड करो 2, 0.5 2.5 0.5 3 0.5 3.5 0.5 4 ये 0.5 0.5 ऐड करके आपने एक सीरीज बना ली। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, 0.3 0.3 0.3 0.3 कितने बार, 4 बार, 1 2 3 4 फिर 0.4 फिर 0.5 राइट। ब्रोमीन आयोडीन याद कर लो भाई, कुछ नहीं होता, ये 2.8 है और ये 2.5 है। अब ये सारे एलिमेंट्स में देखो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भाई आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन इक्वल टू क्लोरीन इक्वल टू वैल्यू 3, मुझे भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा है बेटा। सल्फर देखो, आयोडीन देखो और कार्बन को देखो, कार्बन सल्फर आयोडीन दिख रही है 2.5
फाइव आ रहा भाई। फास्फोरस को पकड़ो, हाइड्रोजन को पकड़ो, 2.1, 2.1। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको मालूम होना चाहिए, आपके कुछ आगे के कंसेप्ट है ना ऑर्गेनिक के क्लियर होते जाएंगे। अब बेरिलियम देखो, एल्यूमिनियम को देखो, आ रहा। वेरी गुड सर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। पोटेशियम रुबिडियम भी होते हैं, सीजियम फ्रांशियम भी होते हैं, हमने वो लिखे नहीं, छोड़ देंगे। तो इतने एलिमेंट्स है भाई जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट सब में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा कौन है भाई? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई डाउट किसी को यहां तक? नो डाउट, वेरी गुड। बेटा आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं इसके, आई वांट टू यूज फ्यू एग्जांपल्स। बट एक काम करेंगे, अभी देखो मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। क्या आप देख पा रहे हो बेटा मैंने क्या लिखा? एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। बेटा एक्स बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ये सबसे बढ़िया कंसेप्ट है बेटा, किसी भी दो एटम के बीच का बॉन्ड पता करने का तरीका बता रहा हूं मैं। अगर आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए है, और एक्स बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी है ना बेटा, ये अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे और इसी कुछ वैल्यू आ रही है, आती है बेटा 0 से लेके 1.9, 2.1 तक डिफरेंसेस आती है। अगर आपको इन दोनों का डिफरेंसेस अगर रेंज कर रहा है 0 से 0.4 तक, 0 to 0.4 तक, तो आपने बोलना बेटा इन दोनों एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है? सर इट इज द नॉन पोलार, इट इज द नॉन पोलार। क्या बेटा? इट इज द नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए और बी की वैल्यू अगर यहां और यहां से यहां रेंज करती हो, तो आपने बोलना इन दोनों एटम के बीच की जो बॉन्ड है कोवेलेंट तो है लेकिन नॉन पोलार है, उसमें प्लस माइनस है ही नहीं। अब 0.4 तक ले लिए, अब 0.4 से थोड़ा बढ़ा लो, अगर इसकी वैल्यू 0.5 से लेके 1.5 तक बढ़ जाए, तो आपने बोलना सर इन दोनों एटम के बीच की जो बॉन्ड है वो पोलार कोवालेंट बॉन्ड है। पोलार कोवालेंट बॉन्ड है बेटा, पोलार कोवालेंट बॉन्ड का मतलब ऐसा शेयरिंग वाला बॉन्ड जिसके सर पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दोनों भी होते हैं, राइट? पोलार कोवालेंट बॉन्ड आ गया बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपको 1.5 से थोड़ा और आगे चले जाओ, आगे मतलब बेटा 1.6 से बढ़ के है, 1.6 से बढ़ के है, तो आपने बोलना ये वो वाले एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्ड इज ए आयनिक बॉन्ड, खत्म। मतलब अभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मालूम है और ये सुधीर सर का छोटा सा एक कंसेप्ट मालूम है भाई। ये कंसेप्ट पकड़ लो, आप किसी भी दो एटम के बीच की बॉन्डिंग बता सकते हो, सर वो कोवालेंट है आयनिक है,
या नॉन पोलर कोवालेंट है कि पोलर कोवालेंट है करके देखेंगे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोला करके नहीं। बोलो बेटा एच एच की बॉन्ड कैसी है, बोलो बेटा एच एफ की बॉन्ड कैसी है, बोलो बेटा एन ए सी एल की बॉन्ड कैसी है। बेटा 2.1 - 2.10 तो आपका ये आ गया नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड, एनपीसीबी, एनपीसीबी नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। बेटा एच की वैल्यू 2.1, एफ की वैल्यू 4, 4 - 2 = 1.9। बेटा डिफरेंस इसकी 1.9 आ रही है, 1.9 मतलब कहां पर आ गए बेटा आप लोग, दैट इज 1.9 ही आ रही है ना, 2, 3, 4 राइट बेटा। अब ये HCl ले लो ना, थोड़ा सा वो एक्सेप्शन आ रहा जो मैंने बोला। बेटा इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2.1 है, 3 - 2.1 पकड़ो कितने आता, 3 - 2.1 = 0.9। 0.9 मतलब वैल्यू इन दोनों के बीच में रेंज कर रही है, तो आपने बोला सर ये आपका पोलार कोवालेंट बॉन्ड है। बेटा Na वैल्यू 0.9, Cl की वैल्यू 3, 3 में से 0.9 निकाल दो भाई, 2.1, 2.1 इज अ वैल्यू ग्रेटर देन 1.6, मतलब ये बॉन्ड आपका कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला है इसको बार बार रिपीट करके देखो समझो, और ये चीज समझ में आया तो ये टेबल भी समझ में आ जाता। तो बोलो बेटा व्हाट इज एक्स ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, व्हाट इज एक्स बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, दोनों का डिफरेंस 0 से 0.4 आता है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दोनों का डिफरेंस 0.5 से लेके 1.5 तक आता है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और दोनों का डिफरेंस 1.6 से बढ़ के आता है तो ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होता है। मतलब देखो बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज अगर समझ में आ गया जो ट्रिक से मैंने बताया, तो आप किसी भी दो एटम के बीच की बॉन्डिंग बता सकते हो, क्या वो कोवेलेंट नॉन पोलर है, क्या वो कोवेलेंट पोलर है, क्या वो आयनिक बॉन्ड है। राइट बेटा, लिख लीजिए यहां तक। चलो अब देखो बेटा आपने ये सीखने के बाद कुछ चीजें और सीखना पड़ेगा। सर व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर व्हिच आर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको मालूम है बेटा ऐसे कौन से फैक्टर है व्हिच विल अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर, पहला एटॉमिक साइज जो आपने अब तक देखते आए, हाँ बेटा फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी बेटा, पहली एटॉमिक साइज, तो आपने बोलना सर एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अलोंग द ग्रुप जाओ आप, बेटा अलोंग द ग्रुप अगर आप जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएंगी, करेगी नहीं करेगी, हाँ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर है, किसके लिए, ग्रुप के लिए। सर अलोंग द पीरियड चलो बेटा, अलोंग द पीरियड चलते हो तो एटम की साइज डिक्रीज करेगी, बेटा एटम की साइज डिक्रीज कर गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। एग्जांपल ले लो बेटा, आप जानते हो लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह सब चलते जाओ तो बढ़ेगा। भाई एक काम करेंगे, थोड़ा सा ये पकड़ो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस, ये थी अपनी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसके लिए बेटा, अलोंग द पीरियड, और ये थी अलोंग द ग्रुप, इस कंसेप्ट से आ गया। सेकंड वाला बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
आपको बताया जितनी ज्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी छोटी साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सेकंड आ गया बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपको याद होना चाहिए दिस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैंने क्या बोला था, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज बोला था, राइट। तो बेटा ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज जेड अफेक्टिव है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, और आप जानते हो जेड अफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम। कैटायन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनायन से, एनायन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जाम्पल बेटा एमएन को पकड़ लो, अब इसके एग्जाम्पल देखो, मेरे पास एमएन का 2+ भी है, मेरे पास एमएन का 4+ भी है, और मेरे पास एमएन का +7 भी है ना बेटा, मेरे पास +2 भी है, मेरे पास +4 भी है, मेरे पास +7 भी है। बोलो भाई जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा जेड अफेक्टिव, जितनी ज्यादा जेड अफेक्टिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर। बेटा माइनस वाला भी करके देखेंगे, माइनस वाला और प्लस वाला मिला के करेंगे। बेटा ये ऑक्सीजन का 2-, ऑक्सीजन का 1- होता ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1-, दो किया तो 2-, या -2 -1 कर दो भाई, ये -2 -1। अब वही वाला ऑक्सीजन या तो न्यूट्रल होगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो न्यूट्रल, फिर इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और हमसे पूछा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। ये तो पक्का है कि जेड अफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खत्म, ये उसकी ऑर्डर है, राइट बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब न्यूट्रल और कैटायन को पकड़ो, बेटा ये न्यूट्रल है, ये +2 है और ये +3 है, और आपसे पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई ये लिखो और ये तीनों लिखो, फर्क क्या पड़ता है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा जेड अफेक्टिव उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर। कोई डाउट्स किसी को बेटा, क्योंकि जब आप ऐसे चलते हो जेड अफेक्टिव बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, कोई डाउट, वेरी गुड। तीसरा फैक्टर है बेटा, बड़ा अच्छा फैक्टर है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फैक्टर है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज द अनादर फैक्टर विच विल अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने का और एक अच्छा फैक्टर है, दैट इज परसेंटेज ऑफ व्हाट, एस कैरेक्टर, मतलब जितनी ज्यादा एस कैरेक्टर हो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा आप बच्चों लोग को जब तक केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम बता देंगे, डोंट वरी बेटा। एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें एटम की हाइब्रिडेशन sp में जाती है, एटम की हाइब्रिडेशन sp2 में जाती है, और किसी किसी एटम की हाइब्रिडेशन sp3 में जाती है। अब इसमें आपने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना सीखना है, एस कितने 1, पी कितना 1, तो टोटल कितने हो गए, एस तो 1 ले लिया, टोटल बेटा 1+1 2 × 100 कर लो भाई, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% आ गए। यहाँ देखिए बेटा एस कितना 1, टोटल कितने 1+2 3 × 100 पे ला लो बेटा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आपका 33.33% आ रहा है, और यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एस कितना 1, टोटल कितने s1 है p3 है बेटा, तो 1+3 टोटल 4 × 100, 100 100/4 करा लो तो आपको आएंगे बेटा 25% आएंगे। तो परसेंटेज ऑफ एस 25, 33 और 50, मतलब कौन सा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अगर आपसे पूछे तो आपने बोलना बेटा यहाँ एस, वो एटम जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp में है उसकी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन sp2 देन sp3। तो बेटा ये कंसेप्ट है ना परसेंटेज वाला, एस कैरेक्टर वाला, ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग के बाद समझ में आएगा, फिर भी हमारा काम इंट्रोड्यूस करने का है। क्या बेटा किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकती है, किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो सकती है, और किसी किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है, लेकिन जो एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्यों,
उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बाकी के कंपेयर में ज्यादा है, हेंस ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। कोई डाउट बेटा किसी को? देख लो एक बार इसको भी सर, देख लीजिए सर। अभी ये जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स देखे हैं ना, बट अभी हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स देखे हुए हैं, अब क्या करेंगे बेटा? ये जो फैक्टर्स है सारा पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करके देखेंगे, पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को। पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। देखो बेटा, अब मुझे बताओ, आप अलोंग दी ग्रुप चले तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ा या कम हुआ? तो आप बोलना अलोंग दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बेटा। अलोंग द पीरियड चले तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो फिर ये भी डाल देना सर, अलोंग द पीरियड एटम की साइज डिक्रीज होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, जैसे कि अपने मेटल्स में पकड़ो, सीजियम पकड़ो और फ्रांशियम पकड़ो बेटा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इक्वल है। मैं लिखा के नहीं दे बट बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सीजियम और फ्रांशियम, उनमें देखो बेटा, ओनली वन शेल इंक्रीजिंग बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 32 यूनिट्स। अब सीजियम से फ्रांशियम पे आइए, एटॉमिक नंबर सीजियम का फ्रांशियम का डिफरेंस देखो तो वहां पर 32 यूनिट्स का डिफरेंस दिख रहा है। सो अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वाज बैलेंस्ड बाय द अफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल समझी जाती है। तो आपको एक ये भी याद रखना है, बाय सीजियम और फ्रांशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैसी है? तो बोलना सेम है, क्योंकि यहां से यहां का डिफरेंस अगर देखो न्यूक्लियर चार्ज का 32 यूनिट्स का है, और 32 यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो बढ़ने वाला न्यूक्लियर चार्ज को नेट बैलेंस करता है उसका इंक्रीज इन द शेल। शेल बढ़ेगी ना बेटा, आप देखो लिथियम अपना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांशियम। सीजियम सिक्स पीरियड से, फ्रांशियम सेवंथ पीरियड से, तो सिक्स से सेवन जैसी नंबर ऑफ शेल बढ़ गया तो वो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल इज बैलेंसिंग द 32 यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। तो बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम आ गई। वैसे ही बेटा आपको जानते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीएल से जाती है, बट क्लोरीन की एफिनिटीज, ये भी देखो बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों? इसके पास जगह होती है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए तो एफिनिटी ज्यादा, इसके पास जगह नहीं है इसलिए एफिनिटी कम, लेकिन छोटी साइज होने से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ज्यादा, इसलिए नेगेटिविटी भी ज्यादा, ये याद रखना है। चलो अच्छी बात है बेटा, थर्ड ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस मिलने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में कुछ इरेगुलर ग्रेडेशंस आती है थर्ड ग्रुप में। कैसे? अगर आप देखो, याद होगा मैंने आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन की बात करा था, जिंक के बाद बाहर निकले तो गैलियम पे पहुंचे, गैलियम पी ब्लॉक का है, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन होने से हमारे गैलियम की साइज इतनी छोटी हो जाती है कि वो उसके सामने अपना एल्यूमिनियम बड़ा लगने लग जाता है। तो क्या बोलना बेटा? यस, थर्ड ए ग्रुप में
थर्ड ए ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्यूमिनियम, क्यों? क्यों तो बोल देना सर, इट इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। बना लिए। अभी काम करेंगे बेटा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इनकी थोड़ी एप्लीकेशन भी जान लेंगे कि क्या क्या है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है तो आप किसी भी एलिमेंट्स की मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर बता सकते हो। तो पहला वाला पॉइंट सर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर ऑफ द एलिमेंट कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। कैसे मैं बता दो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर है। तो सर आप ऐसा लिख दिए तो चल जाता है क्या? हाँ भाई, मेटालिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और नॉन मेटालिक नेचर, आपका नॉन मेटालिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यू। मतलब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल है, और जिसकी बहुत कम, मेटल सोडियम 0.9 लिखा के दिया था ना वैल्यू, तो वो मेटल है। तो जनरली मेटल्स विल हैव लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड नॉन मेटल्स विल हैव हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो बेटा आपने क्या बोलना, मेटल्स विल हैव लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड नॉन मेटल्स विल हैव हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी उतनी ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर, राइट? और एक है बेटा उसका एप्लीकेशन, आप किसी भी दो एटम के बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हो। आप किसी भी दो एटम्स के बीच की बेटा क्या बॉन्ड एनर्जी भी बता सकते हो। किसी भी दो एटम्स के बीच की क्या बता सकते हो? बॉन्ड एनर्जी बता सकते हो। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी को मैं बी लिखूंगा बेटा। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच ऑफ ई एन। बेटा ऐसा लिखना गलत है ना, ऐसे करो डेल्टा ई एन लिख दो। डेल्टा ई एन का मतलब होता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस। जितनी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। करके देखेंगे भाई, ये आपका एच एफ है, ये आपका एच सी एल है, ये आपका एच बी आर है ना बेटा, एच एफ एच सी एल एच बी आर, और ये आपका एच आई है। हमसे पूछा बेटा एक काम करो, इनको बॉन्ड एनर्जी की ऑर्डर में डालो। बेटा एच की वैल्यू 2.1, फ्लोरिन की वैल्यू 4, 4 माइनस 2.1 कितना हो रहा 1.9, डिफरेंस कितनी 1.9। बेटा Cl की वैल्यू 3, H की वैल्यू 2.1, डिफरेंस 0.9। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ज्यादा इसकी है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा इससे। आपको याद आ रहा ब्रोमीन की वैल्यू में लिखा के दिया था 2.5, और ये कितनी बेटा 2.1, तो 2.5 में 2.1 गया, सॉरी 2.5 2.5 2.8 2.8 आती, 2.8 करो तो 2.0.6 आ गई। मतलब 0.9 0.6 ये डिफरेंस ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बेटा आयोडीन को देखो, ढाई 2.5 थी और ये 2.1 है, ये 0.4 है, तो ये ज्यादा। देखो सर मैंने तो वही लिखा है, क्या लिखा बेटा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। एप्लीकेशन आ गया, वेरी गुड। आपको याद है हमारे अंकल, क्या नाम था, स्टीवेंसन और शूमेकर अंकल का एक लॉ था। हाँ,
क्या बेटा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने का तरीका बताए थे उन्होंने, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इन द ब्रैकेट एक्स ए माइनस एक्स बी, था ना बेटा? वेरी गुड। यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, वो वाले फॉर्मूले में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डाल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल सकते हो। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लिए तो आप उसकी रेडियस निकाल सकते हो, राइट? इतना लिख दो बेटा, आगे लिखेंगे वो भी। बन गया दो एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन भी बनाएंगे बेटा। क्या नाम था उनका? स्टीवेंसन्स एंड शूमेकर अंकल का एक लॉ था बेटा, इनकी हिसाब से अगर किसी डायटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा है, इफ इफ इन्हें डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि F2 हो गया, Cl2 हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इफ इन्हें डायटॉमिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, भाई ए और बी ले लो ना आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज मोर। अभी आपने देखा ना फ्लोरीन कितना था, 4 था, एच कितना 2.1 है, डिफरेंस कितना आ गया बेटा वहां पर 1.9 का आ गया। तो ऐसे ज्यादा डिफरेंसेस जब आते हैं तो उनकी जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होती है ना वो कम हो जाती है, देन इज मोर देन देयर एक्चुअल बॉन्ड लेंथ विल बी रिड्यूस्ड। मतलब आपको लगता है कि बॉन्ड लेंथ इतनी होना चाहिए पर होती नहीं, थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा एटम उतने करीब आ जाते हैं, तो आपको एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो लगता है वो रिड्यूस हो जाता है, देन देयर एक्चुअल बॉन्ड लेंथ विल बी रिड्यूस। तो अब वो रिड्यूस्ड बॉन्ड लेंथ आप निकालोगे कैसे, तो ये अंकल ने फॉर्मूला दिया। तो एज पर शूमेकर स्टेवनसन एंड शूमेकर लॉ द रिडक्शन इन बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो रिड्यूस हो गया। देन देन देखो बेटा, देयर एक्चुअल बॉन्ड लेंथ विल बी रिड्यूस एंड दीज रिड्यूस्ड बॉन्ड लेंथ एंड दीज रिड्यूस्ड बॉन्ड लेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टेवनसन शूमेकर लॉ। भाई वो लॉ क्या था? देखो ये आपको, आप क्या बोलना है इसको, ये रिड्यूस्ड बॉन्ड लेंथ है भाई, ये क्या है, डीएबी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो बोलते हैं ना, एक्चुअली वो रिड्यूस्ड बॉन्ड लेंथ है। दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम ए प्लस रेडियस ऑफ एटम बी माइनस 0.09 इन द ब्रैकेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। एक एग्जांपल करा देंगे इसका, देखो इफ इफ
मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं बेटा एफ टू का, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ एफ टू इज 1.44 एमस्ट्रॉन, मतलब फ्लोरीन डायटोमिक है ना, एफ एफ की बॉन्ड लेंथ 1.44 है, और बॉन्ड लेंथ ऑफ एच टू इज 0.74 एमस्ट्रॉन, एच एच की 0.74, एफ एफ को 1.44 ऐसा ले लिया। अब मुझसे पूछा है फाइंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ एच एफ, और मुझसे पूछा है फाइंड फाइंड बॉन्ड लेंथ ऑफ एच एफ, और उन्होंने इतना काम तो कर दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन चार दे दिए, नहीं भी देता तो हमें मालूम था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1 दे दिया, बेटा ये नहीं भी देता तो हमें मालूम ही था। अब देखो एक की वैल्यू 2.4 है और एक की वैल्यू 2.1 है, और आपको बोला कि आप बॉन्ड लेंथ बिटवीन एच एफ निकालो, कितना आसान है बेटा, बोलो क्या करोगे। सबसे पहले तो आप रिड्यूस्ड बॉन्ड लेंथ निकालोगे, रेडियस ऑफ ए कोई भी ले लो ना, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू 1.44, अगर ये बॉन्ड लेंथ है तो रेडियस उसका आधा, प्लस बेटा अगर ये एच टू की बॉन्ड लेंथ है तो रेडियस उसका आधा, माइनस 0.09, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम में कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो माइनस छोटी वैल्यू ले लो, सॉल्व कर लो बेटा, देखो कितना आता 1.44/2 0.72, और 0.74 को अगर बाय टू करा लो आसपास 0.37 आएगा, राइट। सॉल्व करके देखो बेटा आंसर जहां तक मुझे आया 0.919 एमस्ट्रॉन, क्योंकि वैल्यू एमस्ट्रॉन में दिया है, तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई बेटा 0.919 एमस्ट्रॉन फॉर फॉर द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि आप जानते हो इसकी डिफरेंस कितनी है 4 - 2.1, सर आसपास उसकी 1.9 का डिफरेंस है भाई, 1.9 मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ, तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो निकालने का तरीका है ना वो रिड्यूस्ड बॉन्ड लेंथ निकालने का ये तरीका है, और ये फॉर्मूला अपने स्टेवनसन और शूमेकर अंकल ने दिया है, राइट। तो ये था बेटा एप्लीकेशन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, समझ में आ रहा ही है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हाँ ले लो बेटा।